हेलो गाइस, वंस अगेन मोस्ट वेलकम इन एक्सक्लूसिव मेडिकल। आज के इस वीडियो में हम एसटी और एससी कैटेगरी की कट ऑफ रैंक देखेंगे गवर्नमेंट सीट के लिए और मैनेजमेंट सीट के लिए, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट सीट की एसटी और एससी कैटेगरी को रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको आपका रैंक कोई सा भी हो, आपको गवर्नमेंट सीट ही मिलेगा। ब्रांच डिफरेंट हो सकता है रैंक वाइज, लेकिन आपको गवर्नमेंट सीट ही मिलेगी, चाहे से आप एसटी में हैं या फिर एससी में हैं। तो इन सब चीज़ के बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मैंने नीट पीजी पे काफ़ी सारी वीडियो बनाई है जो आपको काउंसलिंग में काफ़ी हेल्प करेगा, तो उन सब वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही मेरा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, यहाँ पे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ मिलेगा जो आपको हेल्प करने वाले हैं काउंसलिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, तो आप सब इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप स्क्रीन पे पीडीएफ देख रहे हैं, इसमें सबसे ऊपर देखिए लेफ्ट साइड गवर्नमेंट है, राइट साइड मैनेजमेंट लिखा हुआ है। मैनेजमेंट का कॉलम एसटी एससी में पूरा खाली है, आप नीचे तक देख सकते हैं, पूरा खाली है। इनको मैनेजमेंट सीट लेने का जरूरत नहीं है, इनको ईजिली गवर्नमेंट सीटें मिल जाती है। तो लेफ्ट साइड आप देखें, गवर्नमेंट के नीचे तीन सब कॉलम है, पीजी, डीएनबी और डिप्लोमा, ठीक है। और यहाँ पे हमने एसटी और एससी दोनों की बात करी है, तो जो ऑब्लिक के आगे एसटी है, ऑब्लिक के पीछे एससी है, ठीक है। ऑब्लिक के आगे वाली जो रैंक रहेगी वो एसटी की रहेगी, और ऑब्लिक के पीछे वाली जो रैंक रहेगी वो एससी की रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है एनाटॉमी, हम फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर की तरफ चलेंगे। पहले हमारे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट रहेंगे, फिर बाद में फाइनल ईयर के सब्जेक्ट, और उसके बाद में जो अदर ब्रांच हैं, जैसे ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन है, रेडियोथेरेपी है और फैमिली मेडिसिन है, इन सब की बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है हमारा एनाटॉमी। एनाटॉमी फोर्थ राउंड में किसी ने भी एनाटॉमी नहीं लिया एसटी कैटेगरी के अंदर, केवल एससी का हम देख सकते हैं। तो 2 लाख रैंक तक एससी ने एनाटॉमी लिया है, मिला है गवर्नमेंट सीट पीजी कोर्स, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री एसटी कैटेगरी की हाईएस्ट रैंक जो है, कट ऑफ रैंक फोर्थ राउंड में, वो 1,98,718 रैंक तक मिला है एसटी को बायोकेमिस्ट्री, और एससी को मिला है 1,98,251 रैंक तक। हम फिजियोलॉजी की बात करेंगे, फिजियोलॉजी 1,90,378 रैंक कट ऑफ रहा है एसटी कैटेगरी के लिए, जबकि एससी के लिए 1,99,576 रैंक तक एससी को मिला है। अब हम बात करेंगे पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी का एसटी रैंक, एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 1,72,249 है, जबकि एससी का 84,092 रैंक है, ठीक है। और डीएनबी जो कोर्स है वो एसटी कैटेगरी के लिए 1,77,600 रैंक तक मिला है एसटी कैटेगरी को, ठीक है। फोर्थ राउंड में एससी में किसी ने डीएनबी लिया नहीं, डिप्लोमा का तो पूरा कॉलम खाली है, इनको इजीली पीजी और डीएनबी मिल जाएगा। अब बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी एसटी कैटेगरी को 1,98,947 रैंक तक मिला है, जबकि एससी को 1,91,171 रैंक तक मिला है। फार्मा 1,77,826 रैंक एसटी कैटेगरी, जबकि एससी को 1,77,305 रैंक तक मिला है। पीएसएम 1,97,061 रैंक तक मिला है एसटी कैटेगरी को, जबकि एससी को 1,35,598 रैंक तक मिला है। डीएनबी कोर्स की हम बात करें तो डीएनबी एससी कैटेगरी को मिला है 1,58,353 रैंक तक, ठीक है। फिर ईएनटी की बात करेंगे, ईएनटी एसटी कैटेगरी को 89,000 रैंक तक मिला है, 89,521 रैंक तक मिला है, जबकि एससी को 50,299 रैंक तक मिला है। और एसटी कैटेगरी को जो डीएनबी इन ईएनटी है वो एसटी को 1,86,270 रैंक तक मिला है, जबकि एससी को 1,09,119 रैंक तक मिला है। ऑप्थेल एसटी कैटेगरी को 79,291 रैंक तक मिला है, जबकि एससी को 55,492 रैंक तक मिला है। और जो डीएनबी कोर्स है, ऑप्थेल एसटी कैटेगरी को 1,75,288 रैंक तक, जबकि एससी को 97,448 रैंक तक डीएनबी कोर्स मिला है एससी कैटेगरी को, ठीक है। एफएम की बात करेंगे, एफएम 2,207 रैंक तक मिला है एसटी को, और एससी को मिला है 1,43,075 रैंक तक।
ठीक है। एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया एसटी कैटेगरी को 97,314 रैंक तक मिला है, जबकि एससी को 51,569 रैंक तक मिला है। डीएनबी इन एनेस्थीसिया 1,88,737 रैंक एसटी कैटेगरी को मिला है। एससी का डेटा अवेलेबल नहीं है फोर्थ राउंड में। मेडिसिन, मेडिसिन की बात करें तो एसटी कैटेगरी को 56,594 रैंक तक मिला है एसटी कैटेगरी को, जबकि एससी को 32,636 रैंक तक मिला है एससी कैटेगरी को। डीएनबी की बात करें, डीएनबी जो कोर्स है वो जनरल एसटी कैटेगरी को 94,168 रैंक तक मिला है और एससी का डेटा नहीं है। पीडिया, पीडिया एसटी कैटेगरी को 53,232 रैंक तक मिला है, जबकि एससी कैटेगरी को 37,493 रैंक तक मिला है। एसटी कैटेगरी को पीडिया डीएनबी 1,58,756 रैंक तक मिला है। ओबीजी 76,308 रैंक तक मिला है, जबकि जो एससी है एससी को 39,512 रैंक तक मिला है। ओबीजी डीएनबी, डीएनबी जो एससी कैटेगरी को 61,338 रैंक तक मिला है। सर्जरी, सर्जरी 75,559 रैंक तक मिला है एसटी कैटेगरी को और एससी को 44,377 रैंक तक मिला है। फ्रेंड्स, इनमें मोस्ट जो लगभग 90% डेटा फोर्थ राउंड से है और जो कुछ डेटा है वो थर्ड राउंड से है, क्योंकि फोर्थ राउंड में मेडिसिन जैसी ब्रांच बचती नहीं है, थर्ड राउंड तक ही वो फिनिश हो जाती है। यहाँ पे हम बात करेंगे ऑर्थोपेडिक, साइकेट्री, रेडियो, डर्मा, फैमिली मेडिसिन, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, पल्मोनरी मेडिसिन, रेडियोथेरेपी और इमरजेंसी मेडिसिन। ठीक है, सबसे फर्स्ट है हमारा ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक एसटी कैटेगरी को 65,371 रैंक तक, जबकि एससी को 44,054 रैंक तक मिला। और डीएनबी जो कोर्स है ऑर्थोपेडिक में 94,233 रैंक तक एसटी को और एससी को 48,626 तक मिला है। साइकेट्री, साइकेट्री एसटी कैटेगरी को 1,46,000 रैंक तक, 1,46,000 रैंक तक, जबकि एससी को ये मिला है 98,402 तक। ठीक है, और रेडियो जो है वो एसटी कैटेगरी को 48,814 रैंक तक मिला है, जबकि एससी को 30,416 रैंक तक मिला है। डीएनबी रेडियो एससी कैटेगरी को 41,848 रैंक तक मिला है। डर्मा 39,005 रैंक तक मिला है, जबकि एससी को 25,430 रैंक तक मिला है। डीएनबी डर्मा ये एससी कैटेगरी को 44,475 तक मिला है। फैमिली मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन एसटी कैटेगरी को 1,84,119 रैंक तक मिला है डीएनबी इन फैमिली मेडिसिन, और एससी कैटेगरी को 1,23,726 रैंक तक मिला है फैमिली मेडिसिन एससी कैटेगरी गवर्नमेंट सीट। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन आप देख रहे हैं इसमें डिप्लोमा के अंदर है ये ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, 1,45,078 रैंक तक मिला है एससी कैटेगरी को गवर्नमेंट सीट। एससी कैटेगरी को डीएनबी इन इमरजेंसी मेडिसिन 47,596 रैंक तक मिला है गवर्नमेंट सीट। गाइस, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप उसे ज्वाइन कर लें ताकि आपको जो भी वहाँ पे भी आपको सारी वीडियो का लिंक मिल जाएगा और जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ है जो आपकी काउंसलिंग में हेल्प करेंगे वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।